राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह, सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों को दी श्रद्धांजलि। जयपुर अजमेरी गेट यादगार के सामने सड़क दुर्घटना में हुई मृतक लोगों को श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया और 18 जनवरी से 17 फरवरी 2021 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के मौके पर यातायात नियमों का पालन करने के लिए एक नुक्कड़ नाटक भी पेश किया गया। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त यातायात राहुल प्रकाश, पीसीसी उपाध्यक्ष राजीव अरोड़ा, डीसीपी यातायात आदर्श सिद्धू के अलावा मुस्कान संस्था की टीम व मृतकों के परिजन मौजूद रहे। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राहुल प्रकाश ने कहा कि यातायात नियमों का पालन करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है और अपने परिवार को बचाना भी है। आए हुए एक मृतक परिवार की पत्नी व बेटियों के लिए उन्होंने कहा कि जैसे भी होगा हर संभव उनकी मदद की जाएगी और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी उठाया जाएगा। राजीव अरोड़ा ने कहा कि यातायात नियमों को तोड़ने से ही जीवन की क्षति होती है और वो कभी पूरी नहीं होती। उन्होंने अंगदान के लिए लोगों से अपील की। हर पेरेंट अपने बच्चों के ऊपर इस बात के लिए पुलिसिंग करे कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के घर से बाहर नहीं निकले, बिना मतलब शराब पी करके कभी वो वाहन नहीं चलाए, सारे सुरक्षा उपकरणों का, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, लाइसेंस तभी ले जब उसको गाड़ी ठीक ढंग से चलाना आता हो। सेम जिम्मेदारी बच्चे भी उठाएं कि हम अपने पेरेंट्स को बिना हेलमेट के बाइक लेकर नहीं जाने देंगे, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी नहीं चलाने देंगे, शराब पी करके गाड़ी नहीं चलाने देंगे और हमारे माता पिता पूरी तरीके से ट्रैफिक नियमों का पालन करें। ये बहुत ज़रूरी है, ये केवल कहने सुनने की बात नहीं, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, जिसको कि आप देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने किस तरीके से लोगों ने एक दिन के अंदर पूरा अपने दुनिया को बदलता हुआ देखा, उजड़ता हुआ देखा है। तो सिर्फ इसी प्रयास के लिए सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए अपने दुख को धारण करके, तो मैं सबसे यही निवेदन करूँगा कि पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाएं कि अगर हमें अपनों को नहीं खोना है, अगर हमें अपनों से दूर नहीं जाना है, तो ट्रैफिक नियमों का पालन करना पड़ेगा। सड़क दुर्घटना में शिकार लोगों का दर्द भी चलता है, उनकी पूरी जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं और इनकी शिक्षा की, या जो यहाँ पे हमारी बहन थी जो कि कह रही थी कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरे पास कोई जीवन यापन का साधन नहीं है, उनके लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं उसमें कोई कमी नहीं रखेंगे और शीघ्र से शीघ्र हम लोग कोशिश करेंगे कि इनका जो एक ये मन में भय है कि मेरा क्या होगा, वो भय हम इनके मन से निकालें। इनकी इच्छा है कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, हम लोग पूरी कोशिश करें कि जितना भी हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे किसी संस्था के तौर पर हो, शत प्रतिशत करेंगे। सर, एक आपने शिक्षा का महीना चल रहा है, उसके अवसर के ऊपर जयपुर में यादगार जो यातायात पुलिस का मुख्यालय है, इसमें कार्यक्रम रखा गया है मुस्कान संस्था द्वारा और जयपुर यातायात पुलिस के द्वारा जनता में जागरूकता का संदेश फैलाने के लिए। मैं सबसे पहले सड़क दुर्घटना में जो मृत हुए हैं उनके परिवारजनों को मेरी ओर से, मेरी संस्था MFGCF की ओर से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और मैं जयपुर के नागरिकों से अपील करता हूँ कि सड़क पे जो दुर्घटना होती है उसको कम से कम करने की हमारी कोशिश होनी चाहिए। हमको यातायात के नियमों का हम पालन करें, जिससे न केवल आपका जीवन सुरक्षित रहे बल्कि सामने वाले का भी जीवन सुरक्षित रहे। और अगर कभी दुर्घटना हो जाए और डॉक्टरों के प्रयास के बाद अगर जीवन नहीं बच पाए तो परिवारजन उनके अंगों का दान करके किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में मुस्कान लेके आ सकते हैं, नव जीवन दे सकते हैं। लेकिन पहला प्रयास होना चाहिए सड़क दुर्घटना ना हो, हम यातायात नियम का पालन करें। खाली बात करने से या श्रद्धांजलि देने से काम चलेगा नहीं। नया साल आया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग संकल्प लेंगे कि आने वाले समय के अंदर जब भी वाहन लेके घर से बाहर निकलेंगे सड़क नियमों का पालन करें।